वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल आप लोगों की बहुत ही प्यारी प्यारी बधाइयाँ मिली, ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारा आशीर्वाद मिला। दैट रियली मेड माई डे एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली विशेज। लिटरली आई एम सेइंग थैंक्स फ्रॉम माई हार्ट। बट डियर दोस्तों, जितनी खुशी मुझे आपकी दुआओं से मिली, उतना ही दुख मुझे एक मैसेज से मिला। मेरे पास एक किसी डीएफ का एक मैसेज आया, उसने अपना पूरा दर्द लिखा था। तो मैं बहुत दर्द में भी थी कल, लेकिन क्योंकि कल मेरा बर्थडे था तो मुझे लगा कि मुझे आज इस बारे पर चर्चा नहीं करना चाहिए। मैं उन डीएफ का ना तो नाम लूँगी ना मैं उन, और मैंने उनका पूरा मैसेज पढ़ के डिलीट भी कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और भी उनका वो दर्द पढ़े, क्योंकि दर्द उसी को ही पढ़ना चाहिए जो कदर कर सके। बस, और मैं शेयर करना चाहूँगी, एक डिवाइन फेमिनाइन है जो बहुत सालों से अपने किसी जिनको वो तत्वन समझती हैं डिवाइन मैस्कुलिन, उनको बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, करती हैं बे इंतहा। उन्होंने उनको इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, कई हालात उनकी ज़िंदगी में आए, कई संघर्ष उनकी ज़िंदगी में आए, और उन्होंने हर संघर्षों का सामना किया। वो कह रही थी कि मैम, जब डीएम अगर मेरे साथ है, मैं तो ज़िंदगी के सारे संघर्ष कर सकती हूँ, बट अगर डीएम ही नहीं है तो। और सच है कि जब आपका प्यार आपके साथ है, आपकी ताकत आपके साथ है, तो आप कोई भी संघर्ष कर सकते हो। लेकिन जब आपका आपकी ताकत ही आपसे कोई छीन ले, तो आप कैसे कर सकते हो। उसने सारे संघर्षों का सामना किया, पर इतने संघर्ष बार 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 आए, जैसे कि हम कहते हैं यूनिवर्स बार बार ट्रिगर करती है, बार बार आपके सामने बबल पीरियड के बाद ट्रिगर करेगी जिससे कि आप लोग दूर हुए, तो ऐसा उनकी ज़िंदगी में हुआ। उसने शी हैज़ फेस आई थिंक 8 to 9 चैलेंजेस, उसने लिखा था कि ऐसे चैलेंजेस आए, उससे सामना किया। बट तब वो जानती नहीं थी कि वो डिवाइन फेमिनिन है या वो ट्विन जर्नी में है। उसके बाद वो लोग सेपरेट हो गए। जब वो सेपरेट हुए तो तब भी वो ये जानती नहीं थी कि वो ट्विन जर्नी में है। उसने बहुत उपाय किए, उसने जो मैनिफेस्टेशंस करने थे वो किए, उसने टोटके किए, उसने जो भी उपाय कर सकते थे वो करी किए, जो भी जिस भी तरीके से कई और भी वीडियोस देखे जिससे कि उसका कुछ उसको आइडियाज़ मिले कि कैसे अपने अपने प्यार को वापस पा सके। हर प्रकार का प्रयास किया। उसने बताया, मैं मंदिर में गई, मैंने प्रार्थना करी, मैंने दुआएं करी, मैंने पूजा करी, मैंने सब कुछ किया, मैं रोई भी, मैं लड़ी भी, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मुझे कुछ, मैं हार गई। और उसके बाद भी वो कहती है, मैं अपनी हिम्मत की दाद देती हूँ कि तब भी इतना सब मेहनत करने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं जा रही है, मैं उसको भुला नहीं पा रही हूँ। उसने मेरी बेइज्जती करना चालू कर दी, उसने मेरे साथ मुझे गालियाँ देना चालू कर दी, तब भी मेरा दिल इतना कठोर है कि मैं खुद ही से प्यार नहीं करती हूँ और मैं उसके साथ फिर भी जुड़ना चाहती हूँ। वो आज भी जुड़ना चाहती है। उसने मेरे वीडियोज़ देखे सेल्फ लव पे, मैम उसने लिखा कि मैंने खुद को आईडी के सामने खुद को माफ़ी मांगी, बोला कि मैंने अपना दिल दुखाया, अपने आप को इतना गालियां दिलवाई, इतना अपने आप को बुरा भला कहलवाया, जबकि मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैंने बेइंतहा प्यार किया था। ये मैसेज पढ़ते पढ़ते मेरा भी बहुत दिल भारी हो गया था। दिल, ये कहानी शायद सिर्फ इनकी नहीं है, ये कहानी शायद आई थिंक हर डीएफ की है, हर डीएफ की है, हर आज जो मेरे भी मेरे इस अकाउंट में मेरे सब्सक्राइबर हैं, हर वो डीएफ की कहानी है, हर उस डीएफ की कहानी है जिसने बे इंतहा मोहब्बत करी अपने ट्विन से, जिसने इतना प्यार दिया, और वो इतने कठोर हैं उनके डीएम कि वो इस प्यार को ना समझ कर भी समझ नहीं रहे हैं।
पर देखिए ये सब चीज़ें यूनिवर्स की हैं, यूनिवर्स का ही खेल है। मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, वो डीएम आपके इतने, आप जितना ज़्यादा प्यार करती रहेंगी, ओके आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, पर यूनिवर्स भी उनको उतना ही कठोर बनाता जाएगा। तो अपना दिल मत दुखाइए, मुझे ये बात अपने हर वीडियोस में बार बार बोलनी पड़ रही है, अपना दिल प्लीज़ मत दुखाइए। मैं आप सब डिवाइन फेमिनाइंस के साथ हूँ, मैं मानती हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत प्यार किया आपने अपने डीएम से, मैं मानती हूँ कि आप लोग बे इंतहा प्यार करते हैं, आपके प्यार में दर्द भी है, आपके प्यार में सैक्रिफाइस भी है, आपका प्यार अनकंडीशनल लव है, और जितना आप अनकंडीशनल लव करते हैं उतना वो ज़रा सी भी केयर नहीं करते हैं। और बहुत तकलीफ़ होती है जबकि हम किसी को प्यार करते हैं वो हमारी 10% भी केयर ना करे। तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के दर्द को समझ सकती हूँ, बट यू नो व्हाट इज़ लेट गो। लेट गो क्या होता है डिवाइन फेमिनाइंस? लेट गो कर दीजिए, बंद करिए अपना अनकंडीशनल प्यार देना, बंद करिए अपना ये सैक्रिफाइस करना, बंद करिए रात दिन उनके बारे में सोचना। अपने से प्यार करिए, अपनी इज्जत करिए, अपनी इज्जत करवाइए। देखिए अगर वो आपका ट्विन है तो वो लौट के आएगा, और अगर वो लौट के नहीं आया आपके लेट गो करने के बाद, तो अच्छा है कि आप किसी ऐसे शख्स से दूर हो गई जो आपके लायक ही नहीं था। आज भी आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं कि वो मेरा ट्विन है कि नहीं, वो मेरा कोई फॉल्स ट्विन तो नहीं है। तो मैं उन डिवाइन फेमिनाइंस को यही सलाह देना चाहूँगी कि आप इस जर्नी को अगर ट्विन जर्नी समझ के तकलीफ़ में रह रही हैं, तकलीफ़ सह रही हैं, और फिर भी आप दर्द में हैं, आप सब कुछ कर रही हैं, आप सेल्फ़ लव करने की कोशिश, मुझे पता है आप सब सेल्फ़ लव करने की कोशिश कर रहे हैं पर सेल्फ लव कोई कर नहीं रहा है। बिकॉज अगर आप अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन को मिस कर रहे हो, मतलब आप अभी भी नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे हो। प्लीज़ सेल्फ लव पे काम करिए, मत इंतज़ार करिए मैस्कुलिन का, नीडीनेस से ऑपरेट मत करिए। मैं फिर आपको एक बात बोलती हूँ, अंडरलाइन कर लीजिए, लेट गो करिए उसे, डिवाइन मैस्कुलिन को लेट गो करिए। अगर वो आपका होगा, अगर वो आपका होगा तो वो लौट के आएगा, वो लौट के आएगा और उसको आना होगा। पर अगर वो आपका नहीं है, मतलब वो आपका ट्विन ही नहीं है, और वो अगर आपका ट्विन ही नहीं है तो निकल जाइए उन गलत रास्तों से, निकल जाइए अपने उन दर्दों से, निकल जाइए खुद को तकलीफ़ देने से, सरेंडर कर दीजिए गॉड को। और मैंने कई बार अपनी टिप्स भी दी हैं, गॉड को सरेंडर करना इज़ द अल्टीमेट अल्टीमेट टिप, कि वो आपको हिम्मत देते हैं, वो आपके दिल को पेन से रिलीफ देते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, वो आपको खुद से प्यार करना सिखाते हैं, वो आपको ज़िंदगी में ढेर सारी अलग अलग सोर्सेस से खुशियाँ देते हैं। और क्या पता सरेंडर करने के बाद आपके ज़िंदगी में सच में कोई आपका रियल ट्विन फ्लेम आ जाए। प्लीज़ अंडरलाइन माई पॉइंट कि जिसको आप चाह रही हैं हो सकता है वो आपका फॉल्स ट्विन हो, और क्या पता कि गॉड को सरेंडर करने के बाद आपका सही में ट्विन फ्लेम आ जाए, आपका सही में काउंटर पार्ट आ जाए। डिवाइन फेमिनाइंस प्लीज़, मैंने कई मेरे सारे वीडियोस को फिर से सुनी है और प्रोसेस ऑफ इनर वर्क को फॉलो करिए। आप ट्विन जर्नी में हैं या नहीं है ये बात की बात है, आप पहले इनर वर्क करिए। आपके इनर वर्क करते करते अगर आपका मैस्कुलिन वापस आता है तो वो आपका ट्विन है, और नहीं भी आता है तो भी गॉड को सरेंडर करना कोई बुरी बात तो है नहीं, आपको फ़ायदा ही है
गॉड विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. प्लीज़, आज मैं बहुत भावुक हो रही थी उस मैसेज को पढ़ के. मैंने वो मैसेज डिलीट भी कर दिया है, बट मेरी सजेशन है ऑल डिवाइन फेमिनिन से कि खुद से प्यार करिए, मत वेट करिए डिवाइन मैस्कुलिन का, मत वेट करिए, लेट गो करिए. अब जैसे ही लेट गो करेंगे वो फड़फड़ाएगा, वो फड़फड़ाएगा आपसे, उसको आपकी एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी. जब आप लेट गो करेंगे ना तो उसको आपकी एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, वो अपनी उस एनर्जी उस ऑक्सीजन के लिए आपके पास भागा चला आएगा, इफ़ ही इज़ अ रियल ट्विन. ठीक है दोस्तों, टेक केयर, लव यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. गॉड ब्लेस यू ऑल.